द क्लास टेक आउट योर हिंदी बुक। बेटे भरद्वाज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। किसने कहा था? गुरुजी ने। किससे कहा था? भरद्वाज से। घड़े रखने के लिए आपने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। किसने कहा था? ये भरद्वाज ने। किससे कहा था? स्त्रियों से। बेटा ये गड्ढे अपने आप बने, हमने नहीं बनाए। किसने कहा था? ये स्त्रियों ने। किससे कहा था? भरद्वाज से। अब ये नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ समझिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर करत परत निशान। अभ्यास कर करके मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, इसके लिए निरंतर प्रयास करना रहता है। जैसे हम कुएं से पानी खींचते तो रस्सी बार बार पत्थर पर आती है और उसके ऊपर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। मतलब हम जीवन में अपने बार बार अभ्यास करें तो हम कहीं भी सफलता हासिल कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निराश होकर गुरुजी ने भरद्वाज से क्या कहा? निराश होकर गुरुजी ने भरद्वाज से कहा कि तुम अब अपने घर जा सकते हो। भरद्वाज ने स्त्रियों से क्या कहा? भरद्वाज ने कहा कि आपने घड़े रखने के लिए ये गड्ढे कितने सुंदर बनाए हैं। कुएं की जगत पर निशान कैसे बन गए थे? कुएं की जगत पर निशान रस्सी के आने जाने से एवं घड़े के रोज रख मिट्टी के घड़ों को रोज लगातार रखने से बन गए थे। अब भाषा शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। परिश्रम का क्या होगा? आलस। निराशा का आशा। विद्वान का मूर्ख। मूर्ख का विद्वान। दुखी का सुखी। कोमल का कठोर। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आश्चर्य का प्रयोग बनाइए। भरद्वाज का अभ्यास देखकर देखकर गुरुजी को आश्चर्य हुआ। भरद्वाज आगे चलकर संस्कृत के विद्वान बने। अपनी मेहनत के कारण छात्र निराश होने से बच गया। अब नीचे दिए कार्य लिखिए जिन्हें आप अभ्यास के द्वारा सीखना चाहते हैं। तो ये आपको करना है, ऐसे तीन कार्य करना है जो आपको अपने मेहनत से अभ्यास करके और सीख सकते हो। थैंक यू। हैव ए गुड डे।